हेलो स्टूडेंट टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रेशन ऑफ फार्मेशन ऑफ यूरिन यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है वो दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है पहली स्टेप्स होती है फॉर्मेशन ऑफ यूरिया एंड लीवर तो यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है लीवर में होता है आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एमिनो एसिड आर प्रोड्यूस्ड जब फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो उसके अंदर जो प्रोटीन होता है तो डाइजेशन के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है एमिनो एसिड में और ये एमिनो एसिड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा और डिफरेंट बॉडी टिश्यू में जाकर क्या करता है कि ये एमिनो एसिड रिक्वायर्ड प्रोटीन को फॉर्म करता है लेकिन एक्सेस क्वांटिटी में जो एमिनो एसिड्स होते हैं उसको बॉडी के अंदर स्टोर नहीं किया जाता है इसको डीएमिनेशन प्रोसेस के द्वारा अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये डीएमिनेशन की प्रोसेस लीवर के अंदर होती है अब जो अमोनिया होता है बहुत पॉइजनस होता है बॉडी में इसको स्टोर नहीं किया जाता है तो ये अमोनिया तुरंत कार्बेमाइल फॉस्फेट से और सीओ टू से रिएक्ट करके यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो यूरिया का फॉर्मेशन जो होता है लीवर के अंदर होता है अब लीवर के अंदर जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है तो उस साइकिल को आर्नीथिन साइकिल कहते हैं क्योंकि इस साइकिल में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है जिसको आर्न, जो आर्नीथिन होता है इसलिए साइकिल का नाम आर्नीथिन साइकिल होता है इस साइकिल को क्रेप्स तथा हेंसेलेट ने दिया था 1932 में इसी कारण इस साइकिल का नाम क्रैप तथा हेंसेलेट साइकिल भी है नेक्स्ट वन स्टेप्स ऑफ साइकिल तो सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ कार्बेमाइल फॉस्पेट अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर सी टू एंड एटीपी जो अमोनिया तुरंत लिवर के अंदर बनता है वो तुरंत रिएक्ट करता है वाटर सी टू तथा एटीपी से इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बेमाइल फॉस्फेट एस एंजाइम और क्या बनेगा बनेगाइल फॉस्फेट का फॉर्मेशन होगा यू कैन सी इन दिस डायग्राम द आर्निथिन साइकिल जैसे वो के अंदर अंदरिया बना तो सीओ टू से और किसका यूज होगा एटीपीकर किसकी प्रेजेंस में होगा मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो बाहर क्या निकलेगा वाटर बाहर निकलेगा और बनेगा क्या कार्बेमाइल फॉस्फेट अब कार्बेमाइल फॉस्फेट में से बाहर क्या निकल जाएगा फॉस्फेट और बाकी का जो प्रोडक्ट होगा वो किससे रिएक्ट कर लेगा आपके ऑर्नीथिन से तो आर्नीथिन कार्बे हाइड फॉस्फेट से रिएक्ट करके क्या बनाएगा सिट्रोलिन ये सिट्रोलिन किससे रिएक्ट करेगा एस्पार्टिक एसिड से और क्या बनाएगा आर्जिनो सक्सिनिक एसिड अब जो आर्जिनो सक्सिनिक एसिड है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता पहला है पहला होता है आर्जिनिन और दूसरा होता है फ्यूमेरिक एसिड ये फ्यूमेरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जिलो एसिडिक एसिड और ऑक्जिलो एसिडिक एसिड किस में कन्वर्ट होगा एस्पार्टिक एसिड में अब जो आर्जिनिन बना ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है यूरिया में तथा तो ऑर्निथिन में यूरिया कहाँ आ जाएगा आपका नेफ्रॉन्स के अंदर आ जाएगा जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा यूरिन के अंदर और जो आर्नीथिन है वो किससे रिएक्ट करेगा वापस कार्बन हाइफ्रासपेड से और साइकिल को वापस से कंटिन्यू करेगा तो इस तरह साइकिल चलती रहती है और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है वो यूरिया बाहर निकल जाता है अब ये यूरिया कहाँ आएगा किडनी के अंदर आएगा किडनी के नेफ्रॉन में से यूरिन का फॉर्मेशन हो द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ यूरिया फार्मेशन इन लीवर सेल मे बी रिप्रेजेंटेड है तो लीवर के अंदर जो यूरिया का फॉर्मेशन होता है उसको एक इक्वेशन में भी आप रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं कि जो अमोनिया लीवर के अंदर बनता है वो सी ओ टू से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेस इनजाइन और साथ में क्या बन जाता है यूरिया बन जाता है अब ये यूरिया कहाँ जाएगा किडनी में किडनी के अंदर जो नेफ्रांस होंगे वो यूरिया को किस में कन्वर्ट कर देंगे यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे और जो यूरिन बनती है उसको बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है सेकेंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है तीन स्टेप्स में कंप्लीट होता है पहली जो प्रोसेस है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब इसको बहुत अच्छी तरह से बहुत माइन्यूटली क्या किया जाता है फिल्टर किया जाता है जो बोमन कैप्सूल होता है वो वर्क करता है अल्ट्रा फिल्टर की तरह वर्क करता है बोमन कैप्सूल के अंदर क्लस्टर्स होता है अफ्रेंट आर्ट्रूल तथा तो अफ्रेंट आर्ट्रोल्स का ये जो क्लस्टर होता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं अब जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड होता है वो छन के कहाँ आता है बोमन कैप्सूल के नीचे आता है तो फिल्ट्रेशन के क्या रीजन होता है ब्लड इज सेपरेटेड फ्रॉम द केविटी ऑफ बोमन कैप्सूल बाय टू थिन मेम्ब्रेन द एंडोथिलियन लेयर ऑफ ब्लड कैपिलरी एंड द एपीथिलियन लेयर ऑफ बोमन कैप्सूल जो ब्लड सेपरेट होता है बोमन कैप्सूल के द्वारा तो वो दो मेम्ब्रेन से होकर गुजरता है एक मेम्ब्रेन जो होती है ब्लड कैपिलरीज की होती है जिसको एंडोथिलियल लेयर कहते हैं और दूसरी जो मेम्ब्रेन होती है बोमन कैप्सुल की होती है जिसको एपिथिलियल लेयर्स कहते हैं तो इन दोनों मेम्ब्रेन से छनकर ब्लड का ब्लड का जो प्रोडक्ट आता है वो कहाँ आता है बोमन कैप्सूल के नीचे की तरफ आता है सेकेंड रीजन एफरेंट आर्टिल इज वाइडर देन द एफरेंट आर्ट्योल जो बाहर से आती है आर्ट्रोल्स उस वो चौड़ी होती है जबकि इफरेंट आर्ट्यूल जो होती है वो सकड़ी होती है जिससे ब्लड ज़्यादा देर रुकता है और जितनी ज़्यादा देर रुकेगा तो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी प्रॉपर तरीके से होगी द वॉल ऑफ कैपिलरी कैपिलरीज दूमेस न्यूमेरस फाइन पोर्स जो कैपिलरी की वॉल होती है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हीं पोर्स से होता हुआ ब्लड कहाँ आ जाता है बोमन कैप्सूल के पोर्स से होता हुआ छन के नीचे की तरफ आता है अभी आज, अपने आप नहीं इसके पीछे एक प्रेशर लगता है उस प्रेशर को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर या ईएफपी पी कहते हैं आउटकम ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर अब जो ई एफ पी जो होता है उसमें बहुत सारे प्रेशर होते हैं उसका जो आउटकम होता है उसको इफेक्टिव फिल्टर प्रेशर कहा जाता है तो पहला जो प्रेशर लगेगा कैपिलरी प्रेशर और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो ये प्रेशर कहाँ लगेगा कैपिलरीज के द्वारा लगता है तो कहां से लगेगा बाहर की तरफ से लगेगा तो कैपिलरी के द्वारा जो प्रेशर लगता है जिसको हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं वो जो होता है जब ब्लड पास होता है किसमें कैपिलरीज में तो वो प्रेशर होता है प्लस सेवेंटी फाइव एम होता है तो बाहर की तरफ जो प्रेशर लगता है वो ज्यादा लगता है सेकेंड है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अब ये कहां से लगेगा कैप्सूल से बोमन कैप्सूल की तरफ से तो एक ऊपर से प्रेशर लगा आपका कैपिलरी प्रेशर अब नीचे से प्रेशर लगेगा कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर तो रीनल इंटरस्टिशियल प्रेशर प्लस रीनल इंटरट्यूबुलर प्रेशर इन दोनों प्रेशर को कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कहते हैं तो अंदर की तरफ से जो प्रेशर लगता है वो कितना लगता है ट्वेंटी एम एम एच जी लगता है और ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो कितना होता है थर्टी एम एम लगता है तो ट्वेंटी प्लस थर्टी कितना हो गया अंदर से लगता है फिफ्टी एम एम ब्लड प्रेशर लगता है तो अंदर की तरफ से प्रेशर फिफ्टी एम एम लगेगा और बाहर की तरफ से प्लस सेवेंटी फाइव एम एम लगेगा तो बाहर की तरफ से प्रेशर ज्यादा लगता है तो सेवेंटी फाइव में से अगर फिफ्टी को माइनस कर दिया जाता है तो बाहर की तरफ जो प्रेशर ज्यादा होता है वो होता है प्लस ट्वेंटी फाइव एम एम तो उसके कारण क्या होता है कि ब्लड का कुछ पोर्शन बोमन कैप्सूल से छन नीचे आता है तो ये रीज़न होता है कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है और दो मेम्बर से जब ब्लड के अंदर का प्रोडक्ट जो होता है फिल्टर होकर आता है बहुत अच्छी तरह से हमता है इसलिए इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं अब जो प्रोडक्ट छन कर आया है उसको फिल्ट्रेट कहा जाता है इस अल्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्लाज्मा लाइक यूरिया साल्ट ग्लूकोज क्रिएटिन वाटर एक्सेप्ट ब्लड सेल अब इसमें ब्लड सेल्स नहीं होती कहा जाता है थीस फिल्टर इज लाइक प्लाज्मा ये जो फिल्टर होता है प्लाज्मा के समान होता है इसलिए इसको नेफ्रोटिक फिल्टर या ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कहा जाता है द एवरेज वॉल्यूम फिल्टर फ्रॉम प्लाज्मा इंटू बोमन कैप्सूल उट वन नाइनटी लीटर पर डे तो पर डे एक सौ नब्बे लीटर फिल्टर जो होता है छन कर बोमन कैप्सूल में आता है यू कैन सी इन दिस डायग्राम द फिल्टरेशन प्रोसेस इन बोमन कैप्सूल तो ये कौन सी कैपुलर आपकी एफरेन्ट ये कौन सी है एफरेन्ट ये जो वाइडर होती है और ये कैसी होती है नेहरो होती है बाहर की तरफ से प्रेशर कितना लगेगा प्लस सेवेंटी फाइव एम एम एच जी ठीक है अब ब्लड कैपिलरी की जो वॉल होती है वो एंडोलिथियल होती है और ये एपिलिथियल होती है इसके अंदर पोर्स होते हैं दोनों की तरफ छन के कहाँ आता है मटेरियल नीचे की तरफ तो ऊपर से प्रेशर लगा 75 फाइव एम एम तो अंदर की तरफ से प्रेशर लगेगा तो पहला जो प्रेशर लग रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है जो कितना लग रहा है आपका 30 एम एम लग रहा है दूसरा जो 10 एम एम लग रहा है वो रीनल इंटरस्टेशल प्रेशर लग रहा है और दूसरा जो प्रेशर है वो रीनल इंटर ट्यूबुलर प्रेशर लग रहा है वो भी टेन एम एम एच जी तो टेन एम टेन एम ट्वेंटी प्लस थर्टी तो नीचे की तरफ से कितना प्रेशर लगेगा आपका फिफ्टी लगेगा और ऊपर की तरफ सेवेंटी फाइव लगेगा तो सेवेंटी फाइव में से आप फिफ्टी को माइनस कर देंगे तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जिसके कारण प्रोडक्ट छन के नीचे आते हैं वो प्लस ट्वेंटी फाइव एम एम एच जी होता है जिसके कारण फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है सेकेंड स्टेप है ट्यूबुलर और सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन अब जो फिल्टर आया उसके अंदर बहुत सारे रिक्वायर्ड थिंग्स होती है जरूरी चीजें होती है उसको वापस से रीअब्सॉर्ब किया जाता है तो पर डे में कितना ग्लोमी फिल्टर छनकर आता है वन लीटर आता है बट अबाउट वन फाइव वन पॉइंट फाइव लीटर यूरिन पास आउट डेली और लगभग डेढ़ लीटर जो यूरिन होता है उसको बॉडी के बाहर पास आउट किया जाता है तो वन 180... एटी जो लगभग बाकी का रिमेनिंग जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्टर वो वापस से बॉडी के अंदर उसको रीअब्सॉर्ब किया जाता है तो वो रीअब्जॉर्ब किया जाता है 188.5 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्टर का पोर्शन होता है उसको बॉडी के अंदर वापस से रीअब्जॉर्ब किया जाता है और रीअब्जॉर्बन की जो प्रोसेस की जाती है पीसी सी तथा लूप ऑफ एनले के द्वारा की जाती है आफ्टर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सम यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज वाटर एमिनो एसिड एंड सम साल्ट आर प्रेजेंट इन ग्लोमेरुलर फिल्टर जब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है तो ब्रोमन कैप्सूल में जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट आता है उसके अंदर कुछ जरूरी चीजें होती है जैसे ग्लूकोज होता है वाटर होता है अमीनो एसिड होता है कुछ सॉल्ट होते हैं जिनको वापस से रीअब्सॉर्ब किया जाता है पीसी पी सी टी सी टी तथा लूप ऑफ हेल्ले के द्वारा वेन नेफ्रिक फिल्टर पासिस थ्रू द पीसीटी जब नेफ्रिक फिल्टेड पीसीटी में आता है प्रोक्सिमल कॉनुलेटेड ट्यूबल्स में

वाटर जो रीअब्सॉर्ब होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है होता है जबकि ग्लूकोज तथा एटीपी का यूज होता, होता है जो पैसिव एब्जॉर्न होता है उसके अंदर एटीपी का यूज नहीं होता है अबाउट सेवेंटी परसेंट सोडियम आयन एंड सेवेंटी फाइव परसेंट पोटेशियम आयन इन लार्ज अमाउंट ऑफ कैल्शियम आर एब्सॉर्ब बाय द तो एक्टिव एब्जॉर्न के द्वारा सोडियम पोटेशियम तथा तो कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब किया जाता है जिसमें एनर्जी एनर्जी यूटिलाइज होगी का यूज ग्लूकोज ग्लूकोज इज सो नॉर्मल यूरिन कंटेन नो तो जितना भी ग्लूकोज होता है उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है जिससे यूरिन में कोई ग्लूकोज नहीं होता है बट किसी पर्सन जब डायबिटीज से सफर करता है तो उसके यूरिन के अंदर ग्लूकोज अपेयर होता है इन असेंडिंग लूप ऑफ हैनले अब हैलले लूप जो होता है उसका एक असेंडिंग लूप होता है दूसरा डिसेंडिंग होता है तो इसका जो असेंडिंग लूप होता है उसके द्वारा सोडियम आयंस पोटेशियम आयन तथा क्लोराइड आयन को रीअब्जॉर्ब किया जाता है इन कलेक्टिंग ट्यूबल्स वहाँ पर वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है अब जो रिमेनिंग मटेरियल बचता है उसको यूरिन कहते हैं और यूरिन जो कहते हैं वो कहाँ आ जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन में रिमेनिंग जो पोर्शन आता है वो कलेक्टिंग डक्ट से होता है वो कहाँ आता है यूरेटर में और यूरेटर के द्वारा बॉडी के बाहर पास आउट कर दिया जाता है न सी इन दिस डायग्राम द प्रोसेस ऑफ री एब्सॉर्बन इन नेफ्रॉन्स का जो पीसीटी है उससे क्या एब्सॉर्ब कर लिया जाता है एटी परसेंट वाटर उसके अंदर ग्लूकोज होते हैं कीटोन होते हैं है, यूरिक एसिड होता है क्लोराइड होता है फॉस्पेट ये सब चीजें होती है तो इनको एब्जॉर्ब किया जाता है और यूरिक एसिड जो होते हैं ये वापिस कहा चले जाते हैं नेफ्रॉन के अंदर चले जाते हैं और वाटर की जो क्वांटिटी होती है उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर उसको पहुंचा दिया जाता है तो 80 परसेंट जो रीअब्जॉर्ब होगा वहां पर क्या होगा वाटर होगा ग्लूकोज होगा एमिनो एसिड होगा और कुछ साल्ट होते हैं जो सिर्फ सोडियम साल्ट हो गया पोटेशियम साल्ट हो गया और कैल्शियम साल्ट हो गया तो ये एट्टी जो होता है कहाँ से द्वारा रिअब्जॉर्ब किया जाता है पीसीटी के द्वारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है उसके बाद लूप ऑफ एन क्या करेगा केवल वाटर को रिअब्जॉर्ब करता है उसके बाद जो डिसेंडिंग लूप होता है उसके द्वारा क्या रीअब्जॉर्ब किया जाता है एन एस एल क्लोराइड सोडियम आयंस क्लोराइड आयन तो इन सभी को एब्जॉर्ब किया जाता है उसके बाद कलेक्टिंग डप्टे में क्या किया जाता है वाटर की क्वांटिटी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रोडक्ट होता है उसको यूरिन कहते हैं तो ये यूरिन कहाँ आ जाता है यूरेटर में यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर में और यूरिथ्रा के द्वारा बॉडी के बाहर निकाला जाता है तो पी में क्या होता है कि 80 परसेंट जो ग्लोमेरल फिल्टर होता है उसका जो 80 परसेंट होता है उसके अंदर मेनली क्या होता है वाटर होता है ग्लूकोज होता है एमिनो एसिड होता है सोडियम आयन पोटेशियम आयन तो कैल्शियम आयन को पी में क्या जाता किया जाता है रीअब्जॉर्ब किया जाता है असेंडिंग लूप में क्या किया जाता है वाटर को रीअब्जॉर्ब किया जाता है डिसेंडिंग लूप में सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन क्लोराइड आयन को रीअब्बॉर्ब किया जाता है और कलेक्टिंग डक्ट डक्टमेस वाटर की क्वांटिटी को रीअब्जॉर्ब किया जाता है कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ यूरिन अब यूरिन का जो कंपोजिशन और नेचर देखेंगे तो उसका कलर और उसमें देखते हैं पिगमेंट तो कलर होता है पेल येलो कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट यूरोक्रोम पिगमेंट के कारण उसका कलर कैसा होता है पेल येलो होता है इसका नेचर देखेंगे तो ये एसिडिक होता है पीएच होगा सिक्स पॉइंट जीरो होगा स्मेल देखेंगे इसके अंदर बहुत सारे स्मेलिंग सब्सेंस होते हैं जिनको यूरिन सोन यूरिया डिग्रेड जैसे एयर के कॉन्टेक्ट में आता है ये यूरिया जो होता है डिग्रेड होकर क्या कर देता है अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है जिसके कारण एक स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है वॉल्यूम देखेंगे तो एक एडल्ट मैन के अंदर दिन भर में क्या होता है कि एक लीटर से लगभग दो लीटर यूरिन को बॉडी के बाहर निकाला जाता है अब क्वांटिटी जो यूरिन की होती है वो डिपेंड करती है कि आपने कितना वाटर को इनटेक किया आपने कैसा फूड किया एनवायरमेंटल टेम्परेचर कैसा है तो ठंड के दिनों में तथा तो बारिश के दिनों में यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होता है जबकि गर्मी के दिनों में यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है क्योंकि वाटर की जो क्वांटिटी इंटेक की जाती है उसके अकॉर्डिंग टी कॉफी एंड कोको आर कॉफी तथा कोको का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में जो यूरिन होता है वो ज्यादा पास आउट होता है यूरिनेशन और मिक्स्यूरेशन द प्रोसेस बाय विच यूरिनरी ब्लेडर एमटीस इट सेल्फ वेन इट्स गेट फील्ड इज कॉल्ड मिक्स्यूरेशन तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा यूरियर ब्लडर अपने आप क्या हो जाता है खाली हो जाता है इस प्रोसेस को यूरिनेशन या मिक्चुरेशन कहते हैं नेक्स्ट वन आता है रेगुलेशन तो बॉडी के अंदर क्या होता है जो फ्लूड होते हैं और जो सॉल्ट होते हैं उसकी जो क्वांटिटी जो मेंटेन किया जाता है उसको रेगुलेशन कहते हैं और रेगुलेशन का जो मेंटेनेंस का काम किया जाता है किडनी के द्वारा किया जाता है सम डिजीजेस ऑफ यूरिनरी सिस्टम अब जब यूरिनरी सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है एबनॉर्मलिटी शो करता है तो वो डिजीज़ के फॉर्म में बॉडी के अंदर कॉज होती है तो पहला होता है रिनल स्टोन या रिनल इट इज डिजीज ऑफ किडनी विच मे बी कॉज ड्यू टू द रिनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हाइपर कैल्शियम या बैक्टेरियल इन्फेक्शन तो ये एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण डिपॉजिट हो जाता है कैल्शियम की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण डिपॉजिट हो जाता है या बैक्टेरियल इन्फेक्शन के कारण किडनी के अंदर स्टोन फॉर्म हो जाते हैं जिसके कारण क्या होता है कि जो कॉलिक सीवियर पेन होता है बैक में भी पेन होता है थाइज में पेन होता है अब जब ये यूरिन के पाथवे के अंदर जब स्टोन आ जाता है तो यूरिन आसानी से पास आउट नहीं होता है जिसके कारण क्या होता है कि बहुत पेन होता है और कभी कभी भी यूरिन के साथ ब्लड भी आने लगता है नेक्स्ट वन आता है एक्यूट एक्यूट्रेनल फेलवर इट इज डिजीज़ ऑफ़ किडनी इन विच द स्वेलिंग ऑफ बॉडीज एन आइन टेक्सप्लेस इस डिजीज़ इस में क्या होता है कि वह आंखों के आंखों के ऊपर जो होती है हो, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है द रेट ऑफ यूरिनेशन बिकम्स लोअर यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है तथा तो तो उसका पास आउट करने की जो प्रोसेस होती है वो कम हो जाती इस का है इस कंडीशन को ओलिगो यूरिया कहते हैं ब्लड प्रेशर बिकम हाई हो जाता है इट इज कॉज ड्यू टू द डेसिकेशन ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ द एंटीबायोटिक लाइक द पेनिसिलिन अगर पेनिसिलिन लाइक एंटीबायोटिक आप ज्यादा यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो किडनी होती है वो फेल हो जाती है इसके बाद आता है हिपेटोरिनल सिंड्रोम तो ये रिलेटेड होता है किडनी तथा तो लीवर से रिलेटेड होता है इन दिस टाइप्स ऑफ एबनॉर्मिटी देयर इज स्वेलिंग इन द बॉडी बॉडी के अंदर इसमें भी स्वेलिंग आ जाती है लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कम होता है क्योंकि यूरिन के फॉर्मेशन में जो होता है तो सबसे पहले यूरिया जो बनता है वो लीवर में बनता है लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो किडनी यूरिन को फॉर्म नहीं कर पाएगा जिस कंडीशन को कहते हैं हिपेटोरिनल सिंड्रोम कहते हैं तो यहाँ पर लीवर भी फेल हो जाता है तो किडनी भी फेल हो जाती है इसके बाद आता है एक्यूट रिनल ट्यूबुलर इंजुरीज और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस इन दिस डिजीज लेवल ऑफ द माओग्लोबिन इन ब्लड इज इंक्रीज इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लड के अंदर जो माओग्लोबिन प्रोटीन होता है वो इंक्रीज हो जाता है डायूरेसिस ऑल्सो ऑकर्स इट इज मेनली कॉज ड्यू टू द बॉडी इंजरी अगर बॉडी में इंजरी हो जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि किडनी की जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाती है इसके बाद आता है हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड इट इज नॉट डिजीज ऑफ किडनी किडनी से डिजीज नहीं होता किडनी से रिलेटेड डिजीज नहीं होती ये रिलेटेड होती है यूरिनरी ब्लेडर से तो यूरिनल ब्लेडर से क्या रिलेटेड क्या होती है कि उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड तो प्रोस्टेट ग्लैंड का जब साइज बढ़ता है तो यूरिनरी जो सिस्टम के अंदर यूरेटर जो होता है ये दबता है जिसके कारण क्या होता है कि जो यूरिन होता है वो प्रॉपरली पास आउट नहीं हो पाता है वो ड्रिबलिंग करके आता है तो उस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट ग्लेंड के